दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं राजस्थान के बॉर्डर और हरियाणा के लास्ट ज़िले के अंदर हूँ। नूह जिला है दोस्तों। नूह जिले का ये गांव है जहाँ पर बाजरे की शानदार खेती हो रही है। इसके बारे में जानने की कोशिश आज की वीडियो में करेंगे। हमारे साथ में किसान भाई जुड़े हुए हैं। बाजरे की खेती को किस तरीके से अपनाते हैं, क्या पैदावार देखने को मिल जाती है और किस तरीके से जो बाजरे की खेती है वो इनके लिए वरदान साबित हो रही है, सारा कुछ आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपका परिचय किसान भाई के साथ कराता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। सामने से जो आपको मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय, अपना नाम पता वगैरह उन्हें बता दो। मेरा नाम आरिफ है जी। हाँ, रहने वाला खेड़ी का हूँ, जो जिला हरियाणा में लगता है, हरियाणा में, जो अपने नूह जिला है। नूह जिला है। हाँ, जो इतना ही राजस्थान पड़ता है बॉर्डर पे, वो इसमें समझ लो अपना बॉर्डर है ये। हाँ, राजस्थान और हरियाणा का लास्ट है। हाँ, 30 किलोमीटर वही पड़ रहा था जी। और भाई 30 किलोमीटर पड़ रहा है, बराबर से लग जाता है। बराबर से लग जाता है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपसे बाजरे की खेती को। लगभग कितना समय हो गया बाजरे की खेती करते हुए? ये मेरे को तो 2 साल हो चुका है इसमें। 2 साल हो चुका है। आपके दो बार बोया है आपका जी? आपके दोबारा बोया है मैंने जी। दोबारा बोया है। हाँ, जैसे 2 साल आपको बाजरे की खेती के साथ हो गए। हाँ, तो अच्छा खासा अनुभव भी हो गया होगा बाजरे। हाँ, बिल्कुल अनुभव है। वैरायटी की सबसे पहले बात कर लेता हूँ, कौन सी वैरायटी का चयन कर रखा है? ये है स्टार 114 है। अच्छा, बाजरे में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो आती है फसल ढहने की, गिरने की। जैसे तेज हवाएं तूफान चलते हैं, बरसात आ जाती है तो फसल गिर जाती है, वो दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं, फसल नहीं, मैं नहीं, आपकी नहीं, देख भी पा रहा हूँ कि बिल्कुल खड़ी हुई है। नहीं, इसमें वह दिक्कत नहीं आता है, जैसे ज्यादा पानी की वजह से आ जाता है। पानी की आपने बात की, पूरी फसल को तैयार होने में कितने पानी की जरूरत पड़ती है? ये इसमें लगता जाए 85-80 दिन लग जाता है इसमें जी। हाँ, 85 से 80 दिन में तैयार हो जाता है। तैयार हो जाती है, पक्के नहीं। पानी कितने लगाने पड़ते हैं, पानी कितना देना पड़ता है? पानी की तो बहुत कम लगता है इसमें, ज्यादा पानी नहीं लगता इसमें। ज्यादा पानी नहीं लगता, ज्यादा यानी कि एक आध पानी लगा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं इसमें जी। हाँ, अब मैं बात कर लेता हूँ बालियों की। बाजरे में एक समस्या और आती है, जो पक्षी है वो बालियां इसकी चुग लेते हैं, दाने इसके निकाल लेते हैं, तो वो दिक्कत तो नहीं आती इसके? नहीं, अंदर? नहीं नहीं नहीं, इतनी मजबूत है बाल इसमें, दाना भी नहीं चुगती है। दाना चुग नहीं, 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 इतना ज्यादा भरा हुआ है इसमें, दाना नहीं चुगती है चिड़िया। लंबाई कितनी हो जाती है लगभग? लंबाई देखो इसकी 5-6 फुट की, 7 फुट तक पहुंच जाती है जी। हाँ, अब बात कर लेता हूँ मैं इसकी रोग की। फसल में कोई रोग वगैरह तो नहीं आता, कोई स्प्रे की जरूरत तो नहीं पड़ती आपको? नहीं नहीं, हमने एक बार भी इसकी स्प्रे नहीं की है, कोई रोग नहीं, कोई भी नहीं इसमें, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कोई रोग कोई समस्या नहीं, नहीं कोई। अब देख लो चना को, बिल्कुल सुथरी बाल है आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। दोस्तों जैसा कि आपको बता रहे हैं किसान भाई, देखो बाल में भी ना चमक है, बिल्कुल चमकदार बालियां हैं इसकी और मजबूत हैं, दाने पक्षी चुग भी नहीं पाएंगे इस तरीके की जो बालियां हैं इसकी जी। अब मैं बात कर लेता हूँ आपसे इसकी पैदावार की। प्रति एकड़ लगभग कितनी पैदावार दे देता है? देखो ये पिछली बार बोया था जब, तो इसमें हमने ये बैठा था 1015 क्विंटल बैठा जब पिछली बार जी। आपको देखो आपका तो ये बैठेगा 2025 क्विंटल बैठ जाएगा आपको, बढ़िया बाजरा, बढ़िया क्वालिटी इसमें, यानी कि 20 क्विंटल के आसपास आपके चला जाएगी पैदावार। हाँ बिल्कुल बैठेगा ये। कि बीज कितना लगता है एकड़ के हिसाब से? लगभग कितना बीज लग जाता है इसमें एकड़ में जी? एकड़ में देखो एक 1.5 किलो लग सकता है, 2 किलो भी लग सकता है इसमें, यानी कि 1 से 2 किलो के बीच में लग जाता है इसमें जी जी। हाँ, जी। स्टार की 114 वैरायटी के बारे में। हाँ, क्या आपके अपने अनुभव से मेरा कोई किसान भाई अगर चाहता है बाजरे की खेती करना, तो क्या इसका चयन कर सकता है? बिल्कुल इसे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा बाजरा है जी, पूरे संतुष्ट वैरायटी से, बहुत जोर का बाजरा है, कैसे भी कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें जी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने देखी बाजरे की खेती। आज मैं था दोस्तों नूह जिले के अंदर, जो कि हरियाणा का लास्ट जिला पड़ता है, यहाँ से राजस्थान की भी स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पर किसान भाई हमारे थे जो बाजरे की खेती पिछले 2 सालों से कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा, अच्छी पैदावार इसके साथ में ले रहे हैं। वैरायटी का चयन कर रखा है स्टार सीड वालों की, स्टार 114 है। तो कैसी लगी आपको वीडियो राय दीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। और आप भी सोच रहे हैं ना बाजरे की खेती करना, बड़ी सिंपल बड़ी साधारण खेती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ता इसके पीछे और बहुत कम पानी में तैयार हो जाती है पूरी फसल, 80 से 85 दिन के अंदर मात्र ये तैयार हो जाती है, तो अच्छी फसल आपके लिए रहने वाली है। आप भी सोच रहे हैं तो आप चयन कर सकते हैं स्टार एग्री सीड वालों की, स्टार 114 वैरायटी का। तो ये थी आज की वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों का हर बार की तरह हमारी वीडियोज को आकर देखने और इतना प्यार देने के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।